दोस्तों नमस्ते, मैं सारे विभिन्न ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए आइए, देखिए बच्चे, दो हम आज बनाएंगे हम चाउमीन। और अपने बच्चे हमारे जानते हैं दोस्तों, बाजार दूर है तो हम लोग बाजार से मंगाए थे आज चाउमीन। तो बच्चे खुश है, देखो लौट रहे हैं जमीन पे। चौमिन होने का देखिए कैसे बैठे हुए हैं बच्चे, इधर देखिए लौट रहे हैं खुशी में। आइए तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। गैस पहले डालते हैं, तो थोड़ा सा इसके रिफाइन हल्का सा डालते हैं, चम्मच है तरह। तो चलिए दोस्तों पहले पानी डालेंगे, उसके बाद रिफाइन पानी में डाले जाएगा। अरे जो चाउमीन हो खिले खिले रहे, उसमें चिपकेगा नहीं। एक है अब इसी में हम अभी नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद फिर चाउमीन डालेंगे। चलिए दोस्तों जब तक पानी गर्म था थोड़ी देर के खेते हैं और प्याज भी लेकर आते हैं और मिर्चा। आइए तो आगे खेत में हम प्याज लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों हो गया, चलते हैं घर। आइए दोस्तों प्याज लेकर आगे खेत से, जो हमने मर्चा लगाया था डिब्बा में उसमें से मर्चा लेते हैं दोस्तों। लेते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों मर्चा लेकर आ गए यहाँ से तोड़ के डब्बे में से, और ये प्याज हमारी देखिए अब आप पूरी देखिए घर सब सामान रखे हुए होंगे। अब काटेंगे ये शिमला मिर्च है दोस्तों, काटेंगे इसको। तो लहसुन को हम लोग निकोल ले रहे हैं, तो लहसुन इतना निकोल ले, थोड़ा सा निकोल लेते हैं। पूरा जितना सामान हम लोग खरीदे जितना हम लोग जानते हैं उससे आप लोग को दिखा रहे हैं। इसे हम लोग पूरा निकाल दे रहे हैं, पूरा इस तरह से काट करके जितना हम लोग को जानकारी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, अगर आप लोग यहाँ जैसे बताया कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं गाँव में। तो दिखाते हैं भिंडी, अब इसको सॉफ्ट होने तक थोड़ा उबालेंगे, उसके बाद हम आपको आगे की रेसिपी दिखाते हैं कैसे बना रहे हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। डाल के इसको खून देंगे क्योंकि इसका स्वाद उससे बड़ा अच्छा आता है। डाल वैसे भी सकते हैं लेकिन ऐसे पे बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो उबाल आ रहा है इसमें मस्त, एक हो अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट बनाएंगे और मिर्चे का बना के दिखाते हैं हम लोग। थोड़ा सा हल्का सा दरकर चढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसका जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐसे। मम्मी देखो ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या? नहीं ठीक है, इसका पूरा तरह से बन गया है, हमारे उबल गया है। अब इसे निकालेंगे हम लोग बर्तन में। पूरा अच्छे से देखिए लच्छेदार मस्त बन गए हैं। थोड़ा सा कर दे दोस्तों ताकि बजे ना चिपके ना, देखिए मस्त। चलिए गैस को चला दिए, सुधर अभी नहीं करा। चलिए दोस्तों देखिए अब हम लोग बारीकी और थोड़ा खड़े खड़े काट रहे हैं शिमला मिर्च प्याज, और ये हमारा देखिए गाजर है दोस्तों। अब लहसुन डालते रहे, आलू जला दिया, चल थोड़ा सा रिफाइन डालते हैं। देखिए दोस्तों इस पूरा हम तैयार कर लिए काट करके। अब हम लोग इधर जो भी सामग्री हम लोग के पास है उतना हमने अपना तैयार कर लिया है काट के। आप लोग के पास और सारी सब्जियां हो तो आप लोग सब्जियां डाल सकते हैं, मटर भी डाला जाता है इसमें, पनीर भी डाला जाता है इसमें, वो सब।
लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है दोस्तों, जितना अवेलेबल है हमारे यहाँ उतना डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, उसके बाद सब्जियाँ डालेंगे, सब हम एक साथ ही डाल देंगे। हमारा चाउमीन ढेर सारा है तो उसी हिसाब से हमने अपना सब्जियाँ भी चाहते हैं। गाजर, चलिए दोस्तों गाजर लेते हैं, हम सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे चाउमीन और फिर सारे सॉसेस। नहीं नहीं, पहले सॉसेस डालेंगे उसके बाद चाउमीन डालेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिए थे, आप इसमें थोड़ा सा और नमक डालेंगे इसी हिसाब से, बाकी नमक है बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, पहले ही डाल दिए थे इसमें। तो बाजार से सिरका हम नहीं मंगाए हैं और जो देसी सिरका गाँव का बनाते हैं आम से हम लोग, और ऊख के रस से वही सिरका डालेंगे, खुशबू वही रहेगा वही स्वाद रहेगा दोस्तों। तो हम ले ये अपना देसी सिरका गाँव घर का, तो देसी ये सिरका दोस्तों मस्त है, सुंदर लग रहा है सिरका दोस्तों, घर का है। देखिए वो दोस्तों थोड़ा सा ऐसे ढक दे रहे हैं ताकि जो है मिर्च है सिरका टाइट है तो गल जाए तो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा हम सिरका डाल देते हैं जो हमारे घर का सिरका है, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पहले ही डाल दिए थे थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा हम डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे चटनी दोनों, ये हरी वाली चटनी और ये लाल वाला, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो डालेंगे सॉस, ये तीखी वाली सॉस डाल रहे हैं, हमारा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। दोस्तों देखिए चाउमीन मेरा बनके पूरा तैयार हो गया है, देर है टेस्ट करने के लिए, और हम लोग सब पूरा परिवार खाएंगे यार दोस्तों चाउमीन घर में। तो बन गया पूरा रेडी हो गया, सबको दीदी खा रहे हैं, देखिए बच्चे खा रहे हैं, बच्चे पूरे सब खा रहे हैं, जवान बच्चे हैं उधर लेकर देते हैं, थोड़ा सा खाए थोड़ा सा हम खा रहे हैं, बताते हैं आप लोगों को। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कैसे घर में बनाते हैं, अपने हमसे तो जो बना हम लोग दिखाए बना करके आप लोगों को, करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते दोस्तों, बाय।